नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज के हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन माननीय आशुतोष पुरोहित जी। स्वागत है सर आपका। सर, सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर डॉक्टरी पेशे से जुड़ा व्यक्ति रेडक्रॉस के चेयरमैन के पद पर आसीन हुआ है, तो आप कैसा फील करते हैं और कैसे यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया? डॉक्टर कृष्णन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः एक छोटा सा पत्रकार हूँ, खरगोन में पत्रकारिता करता था और पिछले 15 वर्षों से रेडक्रॉस से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार जो सामाजिक रेडक्रॉस की गतिविधि रहती है उनसे जुड़ा होने का मुझे फ़ायदा मिला। और जहाँ तक आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन ना, इसमें मैं निश्चित मानता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद, पूर्वज हैं मेरे, मेरे पिता हैं, मेरे ताऊ जी हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और गैर राजनीतिक और जो आपने बात करी है कि सामाजिक काम के लिए हम लोग पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकारिता करते हैं तो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसी का लाभ मुझे मिला कि आज ये इस पद पे पहुंच पाया हूँ। रेडक्रॉस को आम जनता से जोड़ने के लिए और आगे इसको डेवलप करने के लिए सर आपके पास क्या रोड मैप है? अभी चेयरमैन में बना हूँ और पूरी तरीके से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हमारी प्रबंध समिति सभी लोगों से बीच में बैठक हुई, उसमें भी हम लोगों की चर्चा हुई। उसमें बिंदु ये आए थे कि मध्य प्रदेश में जो रेडक्रॉस सोसाइटी की गति होना चाहिए वो कहीं ना कहीं धीमी है, तो इसको लेकर हम प्रयासरत हैं। माननीय आदरणीय जो राज्यपाल महोदय हैं उनकी भी परिकल्पना है कि रेडक्रॉस नई ऊंचाइयों की ओर बढ़े, लगातार काम करें। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बोला है कि रेडक्रॉस को आगे बढ़ाए, संगठन को मजबूत करें। इसको लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। पिछली बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जल्दी हम सभी जिलों में दौरे भी करेंगे और विशेष रूप से जो जिला शाखा रहती है वहाँ कलेक्टर महोदय अध्यक्ष रहते हैं, तो मैंने पत्र के माध्यम से सभी कलेक्टरों से आग्रह किया है कि रेडक्रॉस को जो है सीधे सीधे जो मानव सेवा से जुड़ा हुआ है इसको, इसकी गति लाई जाए। अब तक आपने यहाँ तक पहुँचने के बाद किन किन खामियों को पाया रेडक्रॉस में और इन खामियों को पूरा करने के लिए अभी तक क्या प्रयास किए हैं और आगे क्या प्रयास करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं खामियां तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं रेडक्रॉस से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ। पूर्व में भी आदरणीय मुकेश नायक जी यह चेयरमैन थे जब मैं राज्य समिति का सदस्य रहा हूँ, और मुकेश नायक जी ने हमेशा हमको बढ़ाया है आगे। और उनने जिस प्रकार से, विशेष रूप से बताना चाहूँगा, भोपाल में जो एक रेडक्रॉस का अस्पताल बना है वहाँ सीधे सीधे मानव जो पीड़ित रहता है, निजी अस्पताल एक चुनौती होने के बावजूद भी रेडक्रॉस का अस्पताल चल रहा है, 50 रुपये मात्र ओपीडी में मरीज का इलाज किया जाता है। तो उसी को लेकर कुछ मैं बात स्वीकार करता हूँ, कुछ कमियाँ हुई हैं। पिछले 3 साल से रेडक्रॉस में जनप्रतिनिधि थे, चुनाव नहीं हो पाए थे, उसके वजह से कुछ दिक्कतें थी, तो अब दिक्कतें दूर करने का हमारी कमेटी बन गई है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी का सहयोग, सभी का मार्गदर्शन, सभी के समन्वय से ऐसा काम करेंगे कि दीन दुखियों, गरीबों की मदद हो। आपको अपने इस कार्यशैली में सियासी गतिरोध कहीं महसूस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बड़े मेरे साथ ये बात, मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिल रहा है, सभी का सहयोग मिल रहा है, चाहे मुकेश नायक जी हो, चाहे अरविंद भदौरिया हो। और मैं यहाँ तक भी बोलना चाहूँगा कि जो उपमा राय हैं जिन्होंने मेरे साथ चुनाव लड़ा था, वो भी सहयोग कर रही हैं कि भैया ये एक सामाजिक संस्था है। चुनाव एक प्रक्रिया थी रेडक्रॉस की और वो समाप्त हो गई है। हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। आप एक पत्रकार हैं, इसका कितना फायदा आपको रेडक्रॉस सोसाइटी में मिल रहा है? ये निश्चित है कि पत्रकार जो है उसकी नज़र हर रोज रहती है और उसका फायदा इसलिए मिल रहा है कि पत्रकार जो है दीन दुखियों की सामाजिक मदद भी करता है और उसका पूरा फायदा मुझे मिल रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं
कि निश्चित ही यहाँ पर जो काम होना चाहिए उनमें हम पत्रकारिता के उससे आईने से देखकर हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम लोगों की मदद कर सकें। आगे किन किन सुविधाओं से, सुपर स्पेशलिटी से आप रेड क्रॉस को, राज्य कार्यालय को और पेरिफेरी को आप लैस करना चाहते हैं? अभी मेरी प्राथमिकता होगी कि जो हमारा रेड क्रॉस का अस्पताल है भोपाल में विशेष रूप से, उसको लेकर डायलिसिस, पैथोलॉजी, ओटी और जो आईसीयू है इसको ऐसा बनाया जाए कि लोगों की विश्वसनीयता बढ़े। पहले विश्वसनीयता थी, अभी भी विश्वसनीयता है, लेकिन लोगों को सुविधा भी मिले, कम पैसे में लोगों को इलाज हो, तो इसको लेकर विश्वसनीयता बने और हम लोग काम करें, तो इसी बिंदुओं पर हमने शुरुआत की है काम करने की। रेडक्रॉस परिसर में एक निजी अस्पताल का संचालन भी किया जा रहा है जिसे कि लीज पर दिया हुआ है, तो क्या वर्तमान एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडक्रॉस का है वो उस स्तर को पाने में अक्षम था जो एक निजी संस्था को भी मौका दिया गया? नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या है कि पूर्व में फैसला लिया गया है कि भाई यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी का अच्छा अस्पताल होना चाहिए। पूर्व में जो समिति थी तो उसने इस निर्णय लिया कि भाई यहाँ होना चाहिए, उसी को तारतम्य के लेके एक अनुबंध किया गया था कि भाई भोपाल सहित मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, तो उसी तारतम्य में ये अस्पताल चल रहा है। जहाँ तक आपने कहा है कि अनुबंध, उससे रेड क्रॉस का अनुबंध हुआ और अनुबंध के अनुसार काम कर रहा, हम उसकी भी समीक्षा करेंगे कि अगर कोई हमको अगर शिकायत मिलती है या कोई बात मिलती है तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, अगर वो अनुबंध के खिलाफ काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि जो उद्देश्य लिए गए थे पवित्र उद्देश्यों को लेकर भी वो परिकल्पना रखी गई थी कि भाई आप ऐसे ही एक सुपर स्पेशली, उस दौरान इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि इस प्रकार से एक कोई अस्पताल तैयार हो सके, तो इसलिए उसको लीज और किराए पे दिया गया है। उसकी भी समीक्षा होगी, अगर उसमें कोई लापरवाही या कोताही बरती जाएगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ माननीय आशुतोष पुरोहित जी जो कि मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका स्टूडियो में आने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। आप देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम इंडिया फर्स्ट न्यूज से। अगली बार किसी और शख्सियत को लेके हेल्थ सेक्टर के हाजिर होंगे। नमस्कार।